वेलकम एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए नगीन प्रकाशन बुक की एक्सरसाइज 7F के क्वेश्चन नंबर 22 एंड 24 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। और क्लासेस अपडेट और आपसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप AS इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 प्लस 2 टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 टेन एक्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर sec x इंटू टेन एक्स, 2 sec x इंटू 2 का भी तो मल्टीप्लाई होगा टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम अंडर रूट 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन एक्स प्लस टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 sec x इंटू टेन एक्स। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो कर दीजिए अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, sec एक्स, और बी की जगह पे टेन एक्स, तो टेन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल और इंटू डी एक्स, तो क्या बचा, अंडर रूट sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है, log sec x प्लस c। अब दो log प्लस में है तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x प्लस c। तो ये रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी एक्स को मान लेते हैं t। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो a का जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और बी एक्स का क्या होगा, बी डी एक्स अपॉन ए डी एक्स और टी का डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 1 अपॉन बी डी टी। अब लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट तो दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो निकाल लीजिए, तो बी एक्स ए को उधर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालिए, बी एक्स टी माइनस ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, टी माइनस ए अपॉन बी। इस वैल्यू को हम एक्स की जगह पर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए की जगह पे एक्स की स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, टी माइनस ए का ए अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन, इधर हमने इसको क्या माना है, ए प्लस बी एक्स को टी, तो टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1 अपॉन बी डी टी। तो 1 अपॉन बी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को रख लिया बाहर, और इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है माइनस 2 ए टी अपॉन बी का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये बी जो है 1 अपॉन बी, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे बाहर, कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 3, 1 बाई बी की पावर 3 यानी बी क्यूब। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए टी, यहाँ पर डी टी रहेगा, तो डी टी और 2 ए टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का कर देते हैं हम डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी क्यूब इंटीग्रेशन टी में टी स्क्वायर पर टी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2 माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए टी, और टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन नहीं, इसमें टी की पावर रहेगी 1, 1 अपॉन टी ही रहेगा, और इंटू डी टी। अब क्या कर देंगे, 1 अपॉन बी क्यू इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिए, 1 अपॉन बी क्यू, 1 का क्या हो जाएगा, टी
प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का ऐसे ही रहने दीजिए। और टी की पावर माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस करेंगे तो कितने होगा टी की पावर माइनस वन, और जब माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो प्लस वन करेंगे तो माइनस माइनस वन रह जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव। अब माइनस टू ये क्या है कॉन्स्टेंट और टी क्या है अपॉन में, तो क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए वन बाई बी क्यूब, टी की जगह पर क्या रखेंगे, टी की जगह पर रखेंगे ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, यानी ए प्लस इसको डिवाइड में रख देंगे टी की पावर माइनस वन है तो अपॉन में आ जाएगा, टी की पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस टू ए लॉग टी की जगह पे क्या रख जाएंगे ए प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में।